Hi you guys, what's welcome back to my channel. Welcome back to my another interesting video. So this video is gonna be Indian outfit inspiration for wedding guests. अगर आप लोग की आजू बाजू में कोई शादी है, मामा चाचा भाई बहन कजन किसी की भी शादी है एंड यू आर लुकिंग फॉर सम आउटफिट्स जो कि यू नो नॉर्मल यूजुअल लहंगा एंड यू नो कुर्ता सेट ये सब चीजों से थोड़ा हटके हो सो यू आर द राइट प्लेस यू आर वॉचिंग द राइट वीडियो एंड आई हैव गॉट ऑल दीज पीसेस अंडर रुपीज 2499 2000 के अंदर ही है अच्छा खासा अफोर्डेबल रेंज है मैं एकदम सेलेक्ट की हूँ तो यस लेट्स डाइव इन एंड गाइज अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो ना तो प्लीज टेक अ मोमेंट हिट द सब्सक्राइब बटन इट्स गोना मीन अ लॉट टू मी एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स जंप टू द वीडियो ओके सो इस वीडियो में जो भी आउटफिट्स लेके आई हूँ बहुत ही अलग है एज आई मेंशन लहंगा नहीं है इट्स नॉट अ कुर्ता सेट बहुत ही अलग है बहुत ही डिफरेंट है आपको बड़ा मजा आने वाला है देखने में सो ग्रैब अ स्नैक सिट टाइट लेट्स स्पाइस अप योर वेडिंग गेस्ट वार्डरोब ओके सो द फर्स्ट वन इज दिस पिंक स्ट्राइप्ड प्लाजो सेट इसमें आपको एक क्रॉप टॉप आएगा एक प्लाजो है एंड ऊपर से इसके साथ जैकेट है क्रॉप टॉप में इसे पीछे से इलास्टिक का पैटर्न दिया हुआ है तो काफ़ी अच्छे से बॉडी हग कर लेता है काफ़ी अच्छे से फिट आता है साइड में इसके जिप भी दिया हुआ है तो खोलने निकालने में कोई झोल नहीं है बहुत ईजिली यू नो कन्वीनियंट होता है पहनने के लिए एंड ये जैकेट इट्स लाइक चेरी ऑन द केक बहुत ही अच्छा लुक आता है इसको डालने के बाद आप इसके साथ भी पहन सकते हो आप इसे निकाल के भी पहन सकते हो तो मैंने इसे दोनों तरीके से स्टाइल किया था विद जैकेट एंड विदाउट जैकेट एंड दोनों ही काफ़ी अच्छा लग रहा था बट इट्स जस्ट अगर आप वेडिंग अटेंड करने जा रहे हो ना तो जैकेट पहनोगे तो ज़्यादा समझ आएगा बिकॉज जैकेट के में ये गोल्डन स्ट्राइप्स का पैटर्न दिया हुआ है तो लाइट जब रिफ्लेक्ट करता है ना तो लगता है कितना हैवी कपड़ा पहना हुआ है आपने दिस वन कॉस्टेड मी अराउंड ₹1299 बट जो ये ओवरऑल लुक आता है ना देख के बिल्कुल नहीं लगेगा कितना सस्ता ये आउटफिट है इसको मैंने बस एक लंबी सी इयररिंग के साथ टीम अप किया था एंड काफ़ी हैवी लग रहा था बिकॉज ये कपड़ा ऑलरेडी अपने में ही काफ़ी हैवी है तो ज़्यादा तामझाम इसमें करने की जरूरत नहीं है इट लुक्स वेरी शीक वेरी स्टाइलिश एंड फैब्रिक इज ऑल्सो वेरी लाइट बेस्ट क्या ना इसमें थोड़े लोग जो अनकंफर्टेबल होते हैं थोड़ा वेस्ट लाइन दिखाने में कि यहाँ से थोड़ा फैट दिख रहा है वहाँ से फैट दिख रहा है इसमें सब कवर हो जाएगा एंड एट द सेम टाइम यू कैन लुक क्लासी सो इट्स गोन बी अ परफेक्ट पीस फॉर द वेडिंग और यू कैन कंसिडर इट फॉर द संगीत ऑल्सो आई लव इट ओके नेक्स्ट इज द आउटफिट विच इज हेल्दी एप्रोप्रिएट एंड दिस इज एक्चुअली क्रॉप टॉप एंड स्कर्ट इतना ज़्यादा घेर है स्कर्ट में आई वॉज लिटरली शॉक्ड बिकॉज ये मुझे मिला था जस्ट ₹2399 में एंड कुछ 2000 के कपड़ों में इतना ज़्यादा घेर इज़ क्वाइट अनरियल टू मी सो आई वॉज रियली हैप्पी एंड इसका क्रॉप टॉप भी काफ़ी यूनिक है सामने बहुत अच्छा कट किया हुआ है जो कि वेस्ट लाइन पर काफ़ी अच्छे से बैठता है एक अच्छा खासा अफोर्डेबल हेल्दी आउटफिट अगर ढूंढ रहे हो ना सो दिस इज़ द बेस्ट वन स्कर्ट में इतना सही घेर था ना कि आई थॉट लेट्स ट्राई इट विथ केन केन सो आई पिक्ड वन जो कि मैंने अमेजोन से लिया था एंड आई वॉर इट अंडरनीथ पहनने के बाद तो ये और भी ज़्यादा स्कर्ट फैला फैला हो गया इट वॉज लुकिंग लाइक अ प्रॉपर लहंगा तो स्कर्ट अगर ऐसे ही आपका घेर फैला हुआ दिखता है तो और भी ज़्यादा एक्सपेंसिव लगता है सो आई वॉज रियली हैप्पी विद दिस आप लोगों के लिए मैं केन केन की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी इन केस यू नीड इट आप एक बार चेक कर लेना एंड टॉकिंग अबाउट दिस आउटफिट तो गाइज एकदम पैसा वसूल आउटफिट है ये इससे बेहतर क्या ही हो सकता है 2499 के लिए प्रॉपर क्रॉप टॉप एकदम फैला हुआ लहंगा स्कर्ट एंड वॉट नॉट क्या चाहिए और इसकी मटेरियल की बात करें तो ये प्योर जॉर्जेट मटेरियल है एंड इसको आप अच्छे से झुमके इयररिंग्स के साथ स्टाइल कर सकते हो स्टड बैंगल्स ले सकते हो विद अ क्लच बैग एंड येस स्ट्रैपी हील्स तो भूलना मत टू कंप्लीट द लुक तो आई लव दिस आउटफिट गाइज आँख बंद करके आप इसे हेल्दी आउटफिट के लिए कंसिडर कर लो यू गोना लव इट इफ यू डोंट वॉन्ट ये क्रॉप टॉप एंड स्कर्ट को इस तरह से पहनना तो आप एक अच्छा दुपट्टा भी ले सकते हो टू कंप्लीट द इंटायर लुक एक अच्छा खासा लहंगा का काम करेगा तो येस 10/10 ओके सो द नेक्स्ट इज द आउटफिट विच इज़ एप्रोप्रिएट फॉर मेहंदी एकदम प्यारा सा ग्रीन कलर है डार्क ग्रीन एंड इट्स वन शोल्डर ट्यूनिक विथ प्लाजो दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड लिबास ये भी लिबास का है इससे पहले जो मैंने येलो वाला दिखाया था दैट्स ऑल्सो फ्रॉम लिबास वैसे सारे आउटफिट्स आपको मिंत्रा में अवेलेबल है एंड लिबास की वेबसाइट पर भी सो कमिंग बैक टू दिस आउटफिट गाइस सो दिस हैज़ लाइक वाइड लेग प्लाजो इसमें इलास्टिक बैंड किया हुआ है वेस्ट लाइन पर एंड ये ट्यूनिक एम्ब्रॉयडरी ट्यूनिक है और सारा लाइम लाइट लेके गया है ये ट्यूनिक
यूनिक। फैब्रिक की बात करें तो इट्स अ पॉली जॉर्जेट, बॉडी में काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। एंड ये जो एम्ब्रॉयडरी भी है ना ट्यूनिक की, वो बिल्कुल भी अंदर से यू नो एविडेंट नहीं है, अलग से लाइनिंग दिया हुआ है। एंड काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल है बॉडी में, मतलब इतना सॉफ्ट है कि मैं क्या बताऊँ। एंड आपको देख के समझ भी आ रहा होगा, इट्स टू गुड। ऑनेस्टली आई रियली लाइक द डिज़ाइन ऑफ दिस आउटफिट, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडी लग रहा है देख के, काफ़ी यूनिक है। इन जनरल ऐसा कुछ रहता नहीं है, मिलता नहीं है, तो दिस इज़ सो गुड। सामने अगर देखोगे एक स्लिट है, अच्छा खासा स्लिट दिया हुआ है। इसके साथ अगर आप अच्छा खासा हील टीम अप कर रहे हो तो एक तो प्लाजो लंबा है जिसकी वजह से वो ढक जाएगा, एंड यू आर गोना लुक टॉलर। काफ़ी इलॉन्गेटेड यू नो इल्यूजन क्रिएट करता है ये वाला आउटफिट, आपको देख के भी समझ आ रहा होगा। आई ऑनेस्टली रियली लाइक डेट, इट्स जस्ट कि इसका जो स्लीव में ये कलाई के पास जो बटन दिया हुआ है वो लॉक नहीं हो रहा था मुझसे। आई डोंट नो वाई, ये इतना पतला, मेरी कलाई ऑलरेडी इतनी पतली है और उस पर भी ये बटन फिक्स नहीं हो रहा था। पता नहीं ये क्या सीन है, उसको मैं अलग से फिक्स करूँगी ऑल्टर करके। अदर देन दिस छोटू सा प्रॉब्लम, दिस आउटफिट इज 110, आई एम टेलिंग यू, इट्स लाइक बेस्ट अमंग ऑल अभी तक का। एक्चुअली देखा जाए तो तीनों बहुत ही बढ़िया आउटफिट था, बट ये बहुत ही अलग ही लाइमलाइट लेके गए हैं। मेरे कॉम्प्लेक्शन पे भी काफ़ी ज़्यादा सूट कर रहा था, तो आई वॉज अलग से हैप्पी कि वाओ। मतलब इफ़ यू आस्क मी, आई एम गोना से इट्स अ टॉप नॉच। आई लव द ड्रेस, डिज़ाइन, कलर, साइज, फैब्रिक, स्टाइल, एवरीथिंग इज ऑन पॉइंट, आई एम टेलिंग यू। आई एम लिटरली वेटिंग कि जल्दी से किसी की मेहंदी आया और ये वाला आउटफिट में पहन के जाओ, एकदम प्रॉपर तैयार होके, अच्छा सा क्लच लेके हाथ में विद अ गुड हील। अगर मेरी बात मान के अगर आप ये वाला आउटफिट लोगे ना, आई एम श्योर यू गोना थैंक मी लेटर। सो थैंक्स अ बंच यू गाइस फॉर हैंगिंग आउट विथ मी टुडे। आई होप आपको ये सारी पीसेस से अच्छा खासा इंस्पिरेशन मिल गया होगा। एंड अगर इन सारी पीसेस में आपको कुछ भी पसंद आया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेक कर लेना आराम से। एंड कुछ कूपन कोड भी है, वो भी मैं ऐड कर दूंगी एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव इट अ थम्स अप, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड हिट द सब्सक्राइब बटन, भूलना नहीं गाइस बिल्कुल भी। इट्स गोना मीन अ लॉट, अगेन प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। एंड आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। Guys, guys, before you go, आप बताओ इन सारे आउटफिट्स में आपको कौन सा ज्यादा यू नो आई कैचिंग लगा। सो डू कॉमेंट बिलो एंड आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।